मैंने बोला ना, आजकल तो मुझे सपने ही आ रहे हैं कि मैं आ गया हमेशा के लिए, साथ हूँ तेरे। मैंने आपको दीदी दिखाई थी ना, जिन्होंने इतने सुंदर गणेश जी और सब बना रखे थे उनमें। दीदी कल मुझे याद आया, उनके घर में सहजन लीफ का पेड़ है, तो मैंने उनको भेजा और उन्होंने भिजवा दिया। अब इससे नेचुरल पाउडर, इसको सुखा के इसकी पत्तियों से नेचुरल पाउडर बनाऊंगी। इतने में एक डब्बा आज ऑनलाइन किया था, एक दो दिन में वो आ जाएगा, क्योंकि मिल नहीं रहा था, एक अभी टाइम लगेगा उसको। नीलकंठ पैदल मार्ग पर जाना है, तो आज पूर्णिमा है। नथमल भैया जैसे मुझे वो बताते हैं ना, उसका एकादशी का बताते हैं, तो मैं भैया से कह रही हूँ मुझे मैसेज कर दिया करो कि पूर्णिमा है, तो इसके लिए पंजीरी पहनी बना के जा रही हूँ प्रसाद की। 10:30 बज गए हैं, तो इसी के साथ राम राम कर लेती हूँ। और आज फास्ट तो है ही, तो फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन आज ना मैं वाटर पानी पे नहीं रहूँगी, ऐसे ज़्यादा दिन रहना भी ठीक नहीं होता। मंडे रहा करूँगी अब, एक हफ्ते में एक बार। और कुछ लोग बोल रहे थे, मेरे को पता है कि ग्लूकोज के सेल होते हैं पहले स्टार्टिंग में 2 किलो 3 किलो, कुछ जो ज़्यादा मोटे होते हैं उनका 3-4 किलो जल्दी घट जाता है, दो तीन, क्योंकि ग्लूकोज के सेल होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, टाइम लगता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा वो है कि हफ्ते में एक दिन नमक छोड़ दें, तो आपका वेट जिसका अटक गया ना, तो वो घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारे साथ अभी मोनी बाबा की गुफा के दर्शन करने जा रहे होंगे। बाबा जी तो हो ना हो पता नहीं है, उन्होंने मैसेज भी नहीं देखा, शायद होंगे भी नहीं, या पता नहीं टिक नहीं गया, पर हम दर्शन करके आएंगे गुफा के। ये देखो लाइन से खड़े हैं और हम हो गए हैं रेडी, ट्रेनों पहले चली गई है, धूप हो गई है आज बहुत ज़्यादा, और सुबह से नहीं थी, और जैसे हमारे निकलने का टाइम हुआ ऐसे धूप हो गई। ये आज माला वाला पहन के आई है, हाँ। ये अपने दुकान की प्रमोशन करने आई है, और ये भी ये मेरे शॉप पे मिलता है, ये इनकी शॉप है, आप लोग खरीदे तो इसलिए खुद पहन के आई है सज के। अरे नहीं पता है, ये प्रमोशन का अच्छा तरीका है। हाँ। मेरे पति ने पहनाया है, बोले ये सब पहन के जा, और जब ये सब लोग पूछेंगे कि क्या है, कहाँ से मिलता है, तो मेरे दुकान का नाम ले। पति पत्नी ऐसे काम कर रहे हैं। यहाँ आ गई इतने गाय की रोटी देने, मन का बार बार कौन उतरेगा गर्मी में आज। बेलगिरी वाला कह रहा है आंटी जूस पी लो, मैंने कहा आप तो बिल्कुल नहीं पीऊंगी। आंटी बोल दिया। यहाँ से ये कावड़ के लिए गाड़ियाँ आएंगी, तो इसलिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, नहीं तो बहुत जबरदस्त जाम लगता। ये देखो यहाँ सारी तैयारी चल रही है, इधर मैं पहले तैयारी दिखा रही हूँ आपको, देख लो ये देखो, ये उद्यमी बच्चे हैं ये। हमें नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा ये सब हाल, पर कोई बात नहीं, चलते हमें। ये रास्ता हमारे लिए एक महीने के लिए बंद हो जाएगा पूरा। कभी भी कावड़ के टाइम पे ना, आज तक ये वाला हिस्सा नहीं देखा था, आज मैं पहली बार ये देख रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या टेंट लगते हैं, क्या क्या हो रहा है। और अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है पूरी तरह से, तुम भी पहली बार देख रही हो ना? पहली बार, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। ये देखो यहाँ तो ऐसे लग रहा कोई शादी वादी या वैसे फंक्शन हो रहा है कोई, इसके आगे शांति मिलेगी। यहाँ भी कोई अगर रनिंग करेगा तो अच्छा खासा वेट जड़ जाएगा। बाप रे बाप, कितने बड़े बड़े टेंट लग गए, तो यहाँ तो चहल पहल रहेगी, और अब आपको हाथी वाती कोई नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। मैं कितने दिनों से जाने की सोच रही थी, आज आ गई हूँ मैं यहाँ पे। मैं और ये ना 2019 में कावड़ के बाद आए थे। ओहो, जो गंद मचा हुआ था, अति हो रखी थी। ये नीलकंठ तक जाएंगे लेटते लेटते। यहाँ पे एम्बुलेंस भी आई हुई है, यानी कि किसी को प्रॉब्लम हो गई होगी, एम्बुलेंस आई हुई है। तो इसको बोलती हूँ कि कोरोना हुआ है तो ये मानती नहीं है, आप खुद ही कह रही है तुम कहती हो कोरोना हुआ तो मान। पक्का कोरोना ही हुआ था तुम्हें,
फैशन में कोई कमी नहीं है। हाँ तो क्या फैशन करने से फैशन में कोई कमी नहीं है? दिक्कत थोड़ी होती है चलने में होती है, चलने में होती है। बस ये जो डेक चलते हैं ना, एक तो पैदल चल रहे हैं वो रश, और ऊपर से जो ये स्पीकर चलते हैं, अरे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा। मैं तो आज भी वो स्प्रे लाना भूल गई, अच्छा हुआ इतने सारे तो जा तो रहे हैं, कहाँ से हमें जानवर मिलेंगे। आप लगा लो जंगल में, लेकिन ये जो होता है ना, सच में इसको देख के ना बड़ा गंदा लगता है कि नेचर बर्बाद हो रही है बहुत ज़्यादा। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना 4 साल पहले, तो भैया ने यहीं के भैया ने बताया था कि आज़ाद हुआ था भारत, तो वो पाकिस्तान से इधर आए थे, मतलब पंजाब से ही आए थे इधर ही, तब कह रहे देहरादून में भी बर्फ़ पड़ती थी। आप सोचो देहरादून में भी स्नो पड़ती थी। हाँ बैठ गई, इसकी तबीयत ख़राब है ना, मैं बोल रही इसको चला कर। और अब सोचिए जब देहरादून की बात कर रही, देहरादून में पड़ती थी, अब मसूरी में भी कभी कभी पड़ती है, मतलब धनोल्टी साइड ज़्यादा पड़ती है, तो क्या हालात हो गए हैं। ये चेंजेस ना धीरे धीरे बहुत स्लोली स्लोली आते हैं, बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली। और हमें देखो माइक की ज़रूरत है, और ये सब्जी वाले ने इसने लगा रखा है 5 रुपए का गिलास, ना लगाए तो वैसे ही चिल्ला ले। मुझे लग रहा है बाबा जी नहीं मिलने वाले हैं, और गुफा में तो लोग कम ही जाते हैं, हम गुफा में जाके बैठेंगे बस। बिल्कुल आइडिया नहीं था आज का तो के कितना रस मिलेगा। अरे यहाँ तो पूर्णिमा भंडारा भी चल रहा है शायद, ये पुलिस वालों के कैंप है यहाँ पे, ताकि कोई कुछ भी कैसी भी घटना हो जाए तो पुलिस वालों ने यहाँ कैंप लगा रखा अपना। रेनू की तबीयत ख़राब है, वो धीरे धीरे आ रही है, और ये देखो कितना ग्रीनरी हो गया। ओहो आज बाबा जी मिल गए हैं, आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो हाँ। गुरु का मिलना जरूरी है। हाँ हम सोच रहे थे मन का ध्यान लगाने अंदर जाएं हम गुफा में, मन का बाबा जी तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, थोड़े से बाबा जी को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं लोग। तो जैसे ये अर्पित करने की बात कही गई है, तो जो हम बाहर से अर्पित करते हैं फल फूल कंदमूल द्रव्य, वो सब तो एक अलग चीज़ है। हाँ। वास्तव में अर्पण करने की बात कही गई है कि आपके अंदर अंदर के भाव, जो कुछ भी अभिमान है, हाँ, जो अहंकार, इस मन के बारे में, इंद्रिय के बारे में, हम जो कुछ भी एनर्जी के स्तर पे है उन सब के बारे में कहा गया है। एक्चुअल में यही कहा गया है, हम दूसरा समझते हैं, दूसरा, कि प्रसाद भोग वो चढ़ा देते हैं ना, बाहर से जब हम शुरू करते हैं तो वो भी एक अवस्था है। हाँ। पहले हम वो सब अर्पित करते हैं, धीरे 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 हम खुद के अर्पण की बात सोचते हैं, तो जिसमें जैसे शरीर से गुरु की, उनके आश्रम की, गुरु भक्तों की सेवा करना, वो अपने शरीर को अर्पण करने की बात है ना, और फिर मन से भगवान के भक्तों से प्रीत होगी तो भगवान से होगी, ये मान ले। बिल्कुल ये सब हम जानते तो हैं कि हाँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा शरीर को अर्पित करो, भावित करना पड़ेगा ना। हाँ भावित करना पड़ेगा, कोशिश करती हूँ पर वो होता नहीं है, तो क्या ये अहंकार के कारण नहीं होता, या मेरे रेणु होने के भाव के कारण नहीं होता? वो भाव की बात है, मैंने वो रो रहे तो नजदीक आ गया, कोई विश्व सुंदरी होने के कारण नहीं हो रहा, ये इमोशनल हो रही थी इसको हंसा देती थोड़ा, नहीं आपके दिन बैठे वे सुन रहे फिर पुकार। हाँ सही कह रहे हैं, हमें बीच में प्रकट है, सही कह रहे हैं, ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाएं हैं, हाँ, जो अब शरीर में नहीं है, हाँ, वो भी जो मेडिटेट करती हैं, वो सब है? साथ में होते हैं, बिल्कुल, ऐसे लोग ना आपकी ऊर्जा से आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना बाबा जी, तो शरीर का भी माध्यम है ना, हाँ, तो इस शरीर को भी वो माध्यम बनाना चाहते हैं, सही कह रहे हैं, आपको एहसास होता है ना, कोई होता है ना, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, तो और भी हैवी हो जाती है। मुझे तो मैंने बोला ना आजकल तो मुझे सपने ही आ रहे हैं कि मैं आ गया हमेशा के लिए, साथ हूँ तेरे। मैंने ये चीज़ देखी, अच्छे अच्छे सपने आते हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं आपके दिमाग में, तभी हम प्रभाव है ना, ऊर्जा प्रभाव होता है, वो ऊर्जा एक अच्छी ऊर्जा रहती है, ये तत्व का है ना, ये कोई कोई जानेगा, उसको कोई पहचान ही नहीं पाता, मैं क्या करूँ, उसको जान नहीं पाता, क्योंकि जो आदमी मेडिटेशन करता है ना, तो उसके साथ में शक्तियाँ लग जाती हैं।
बस मैंने अभी एक चीज़ वो करनी शुरू कर दी कि अपने आप को ठीक रखो, दूसरों के लिए मतलब अपना समर्पण भाव रखो। कई हमारे बारे में भी कहते हैं, बुरा लगता है लेकिन निकाल देते हैं उस भाव को, आया और ख़त्म हो गया। ये नहीं कि उसको दिमाग में फिर वो करके रखो, वही तो हमको रोक के रखती है, वही रोक के रखती है, वही तो डर के रह गए फिर। हाँ, जैसे हम साधु संतों के ही पास आते हैं, हाँ, किस स्तर पे है, कितना ध्यान करता है, या सच में कितना आगे बढ़ा है, सच में ईश्वर से उसका कितना जुड़ाव है, हाँ, तो आप आराम से उसको पहचान लेते हो। तो कैसे पहचानते हो? ये तो तरीका है, आभा से। शक्ति में भी तो फर्क है ना, वो दूसरी शक्ति भी हमको उस मार्ग में ले नहीं जाती कभी भी, दूसरी मार्ग पे रखती है, और दूसरी शक्ति उसको भी संतुष्ट कर, दूसरी मार्ग पे आपको लेके वहाँ भी लेके जा रहे हैं, तो अच्छा की वो अच्छी है, बता सकते। तो यहाँ इंद्रियों का है तो खेल तो वहाँ भी इंद्रियों का ही है, तभी तो उसको इंद्र बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं तभी तो। सही बात है, रेनु पुराने दिन याद आ गए। एक दिन हमने भंडारा खाया था ना, मैं जब ये आए थे हम सारे उस पे आए थे नवरात्रों में ना, बूंदे शुरू हो गई है। जय मुनि बाबा। मुनि बाबा जी नहीं दिखाई दे रहे आज, माला महाराज जी को करेले की सब्जी चढ़ा के गए। हो सकता है बाबा जी खाते हो, जो बनता है उसी का भोग लगा दिए। किसी को ध्यान लगाना हो तो यहाँ आके ध्यान लगा सकते हैं, बाबा जी बिल्कुल भी मना नहीं करते, पर वो बस ध्यान लगाने ही आए। ओहो, जंगल देखो कैसा हरा भरा हो गया ना, बारिश की वजह से। हाँ, अभी बूंद आई थी और 2 मिनट बाद फिर बारिश, ओह धूप निकल आई है। आज तो काफी रश है, नहीं तो लोग मना करते हैं कि भाभी जी अकेले मत जाया करो, है ना कितना सुंदर। पर ये यहाँ पे कोई आता नहीं है नहाने के लिए, क्योंकि बाबा जी उसको भगा देते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं। ओहो, ये देखो नींबू का पेड़ है। हाँ, नींबू, छोटे छोटे नींबू लगे हैं। तुमने बहुत नींबू खा के अपना गला खराब किया है। ओ नींबू नींबू, कितने नींबू है ना। अब जब सहेल दोस्त ने बोला है तो दोस्ती निभानी पड़ेगी। मैंने कहा ये भी बचपन है, कांटे होते हैं इसमें तो। ओए बाप रे बाप, मरवाती मुझे अभी, ये देख ये तो मुझे खा जाती है, अजीब तरीके की मक्खी है ये। जान जोखिम में डाल के लिए दोस्त के लिए नींबू लेके नींबू लाए, बढ़िया वाली जान जोखिम में डाली है मैंने, सुझा देते मुझे बिल्कुल ही। नींबू खत्म हो गए थे घर में, नींबू खत्म हो गए थे। ये वाला शिवलिंग मोनी बाबा जी के टाइम का बना हुआ, वो पूजा करते थे यहाँ पे। नारे को देख के मेरे को पुरानी यादें ताजा हो जाती है, यहाँ पे आती होती है हमेशा ही। बाबा जी बोल रहे हैं तुम्हारा व्रत है तो तुम केले खाओ प्रसाद के, हम अपना प्रसाद यहीं ग्रहण करके चलेंगे। ऐसे सूट में तो बहुत मोटी लग रही है। अरे नू अमरूद का पेड़, अरे देख भाई बाबा जी ने बोल टक रखी है। बोल दिखे, बोल के शौक, क्रिकेट के शौकीन। मैं कोई अनार कहाँ से आ गया अमरूद के पेड़ पे, मैं तो अमरूद ढूंढ रही हूँ मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। अंकल जी भी मिल गए, पहचानते हैं। और ये अंकल जी ने, इनकी पोती देखती है आपकी, पोती लड़की देखती है। अच्छा, अब ये चढ़ती आ रही थी तो मरती आ रही थी, अभी भांग की कहीं चटनी बन रही है तो कह रही खरीद लें, जाके घोल के पियेंगे। एक भैया अभी अंडरवियर सर पे डाल के जा रहे हैं अपने, इन्होंने ये बात बोली थी कि आप अंदर का नीचे वाला वस्त्र अपने कपाल पे कैसे रख सकते हो, है ना। पीछे नग बेच रहा है, कह रहे इन दीदियों ने भी पहन रखा, पत्थर के बने क्या राम, पत्थर के बने देवी दुर्गा, पत्थर के बने राम, और नग के बारे में अपना प्रचार कर रहा है, सारे नकली नग लिए बैठा है। कुछ लोग नंगे पैर परिक्रमा लगा रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं तो ठीक है, मुझे नहीं ये लॉजिक समझ नहीं है, घुंघरू क्यों पहनते हैं। डाक बम लोग जाते हैं ना, डाक बम, डाक बम जो है, हाँ, वो एक निश्चित अवधि के अंदर पहुँच के, अच्छा सबको जल चढ़ाना होता है, तो बांधते हैं ताकि उनके लिए लोग रास्ता दें। अच्छा, गाड़ी के हॉर्न के जैसे। अच्छा,
बाबा जी ने मना कर दिया है, बेटी अभी एक महीने मत आना यहाँ पे मन का बेटियाँ खुद ही नहीं आएंगी बहुत रश है अभी तो कुछ नहीं है, अभी होने वाला है, अभी 13 तारीख है, 14 तारीख से डेट है और मेन जो है वो 18 तारीख से है। कुछ भी कौन, नज़ारे बड़े अच्छे हैं ना, खाली रोड पे नज़ारे बड़े अच्छे हैं, है ना। ओहो ऊपर देखो बादल, वाह। आज गंगा मैया भी पूरे उफान पे, अपने पीछे बारिश हो रही है अच्छी। देखिए मेरे से सब लोग पूछ रहे हैं कि ट्रैवल करने इस टाइम आए तो जो कावड़ नहीं ला रहे हैं वो बिल्कुल भी ना आए, एक महीना तो बिल्कुल भी ना आए ऐसे कितने प्यारा लगा, रेणु कह रही शाकाहारी बिल्ली बन जाओ प्रेम रहेगा। हाँ चूहे 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 और बदबू आती है, फिर गुस्सा आ जाता है, फिर इनकी पिटाई होती है। मैं सोच रही थी ये मुझे फ़ोन करेगी कि मम्मी चाबी कहाँ है, मैं रेणु से कह रही इसको कोई मतलब नहीं है कि माँ यहाँ नहीं है तो ऊपर चाबी देख लेगी, अपने आप ढूंढ लेगी, फ़ोन नहीं करेगी। मुझे गर्मी लगी, एसी चला लिया और बाहर देखो तो मूसलाधार बारिश हो रही है। अच्छा वो भी पैदल मारते थे कभी हुई, अब खिड़कियाँ खोल देती हूँ सारी। मुझे लग रहा है मैं ही एक अनोखी ऐसी हूँ जो एंजॉय करती है बारिश में, कोई एंजॉय नहीं करता। मम्मी बेटा खूब नहा रहे हैं और गंगा जी जाके एक अलग एंजॉय आएगा। यार ये फिर गेट बंद है, नहीं गेट बंद है, ताले लगे हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब आज तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, रोड पे तो नहीं जा रही। ओहो गंगा जी का फ्लोरी हम आ रहे थे ना, बहुत ऊपर तक आई थी गंगा जी। मुझे नहीं लग रहा कि कल मुझे कहीं जाना था, इतनी बारिश देखते हुए कहीं जाया जाएगा, बहुत जबरदस्त बारिश है। कहने को तो इस मौसम में गर्मा गर्म चाय पियो, पकोड़े खाओ, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी तो डाइटिंग है। और ये देखो सब छुपे बैठे हैं यहाँ पे, जल देखो पहले यहाँ बारिश नहीं थी ना, तब यहाँ तक आया हुआ था ये, और अब यहाँ पे बारिश हो गई, तब हम गए थे यहाँ पे नहीं है। गंगा जी का रूप देख लो भाई, मैंने तो अकेले इंजॉय करना सीख लिया है, दिया सो रही है उसको कोई मतलब नहीं है उसको सर्दी वैसे भी लग जाती है, जुकाम हो जाता है। और ये भैया देखो काफी इसमें सुबह बैठे हैं, चल कहाँ तक आ गया, यहीं पे तो हम बैठते थे रात को और यहाँ पे आ गया, पूरा पूरा ऊपर तक भर गया वहाँ पे। कहने का एक कारण ये भी है, दिखाने का भी ये कि ये हमारी धरोहर है, नेचर जो है ना, हम ये समझे कि हम ही मतलब हम मर गए तो हो गया काम, हमारे बच्चे भी तो है पीछे से, उनके बच्चे के नेचर को संभालना और उसकी रक्षा करना और उसको बचाना ये सबसे बड़ी विरासत होगी। पैसे तो बच्चे कमा लेंगे, हम इस तरीके के संस्कार देंगे या काबिल बनाएंगे उसको तो वो कमा लेते हैं, लेकिन नेचर वो कहाँ से लाएंगे, हमें कोसते रहेंगे जिंदगी भर। और ये देखो इनको रेनकोट देने के बाद भी ये नंगे पतंगे ऐसे घूम रहे हैं। कावड़ में आए हुए बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जो बच्चे आ रहे हैं समझिए इनका महत्व, समझिए तभी आप यहाँ पे आ पा रहे हैं। अगर ये नेचर पहाड़ ये कुछ नहीं रहेगा ना, गंगा जी नहीं रहेगी तो आप कहाँ जाएंगे। तो अपनी प्रकृति से प्रेम करना सीखिए और उसका सम्मान कीजिए तो ये आपको दुगना लौटा के देगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ क्योंकि मुझे जाके पूजा भी करनी है और व्रत भी खोलना है, 4 बजे अभी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। मैंने रेनकोट दिया था फिर दीदी को घर पे रखा है। ले भाई कह रही है, सब पूछते हैं कि गंगा आप एक दीदी वीडियो बनाती हूँ यही रहती है तो कहाँ मिलेंगे, आपका घर कहाँ है, मैंने खबरदार जो घर बताए तो अभी सबको भेज दे, अभी हम जानते नहीं ना भी लोगों को कैसे लोग आए तो पता भी होता है, उनको बोलेगा आपको 8 बजे गंगा जी मिलेंगे। ये सब कावड़िए खड़े हैं भाई, सब बोल रहे हैं हमारी दिलों में गर्म फोटो बनकर ले लेती हूँ, चलो सिक्कू पे खड़े हैं मैं कितने लोगों को बाहर निकाल देती हूँ, मेरे को देख के कितने लोग बाहर निकल गए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, हर हर गंगे हर हर महादेव और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, कूड़ा ना फैलाएं। जैसे नीलकंठ रोड पे भीड़ होती जा रही है, कूड़ा होगा तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान रखिए, जानवर है वहाँ पे, शोर शराबा कम करें और नेचर को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएं।